सूरजपुर के ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में कुआ बांधाई के दौरान हादसा हो गया था, जिसके 20 घंटे बीत जाने के बाद भी कुएं के अंदर काम कर रहे 3 मजदूरों में से एक शव अब तक रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी, कलेक्टर समेत पुलिस अधीक्षक भी घटना के बाद से ही मौके पर मौजूद रहे। अब तक 2 लोगों के शव मिट्टी में दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुराने कुएं पर कार्य करने पर रोजगार सहायक सचिव और अधिकारियों की लापरवाही की बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सहायता राशि देने के निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिक्रिया की घटना को दुखद बताया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि तीनों मृतक श्रमिक के परिजन को 5,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर प्रदान की जा रही है। आज नहीं, 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है और जेसीबी से कोड़ाया था, वो माटी एकदम खड़ा था और ये पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए और मनमानी, मेरे चाचा को भी बांध भर दिए, मिस्त्री है उसको, मिस्त्री है उसको, ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं, ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं, ना वो किसी से पूछते हैं। ये अप्रत्याशित घटना है, इस तरह की घटना होना कोई भी सोच नहीं सकता है। ये कठिन समय था और कल जैसे ही सूचना मिली, कलेक्टर साहब के साथ में हम लोग पूरा दलबल के साथ में आ गए। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिले के थाना प्रभारी हैं, करीब 100 का पुलिस बल है और प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। कल रात से सभी का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके इनको निकाला जाए, हो सकता है कुछ किसी में जान बाकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह एक शव निकला है, काफ़ी कोक्रेन आई है, 5 जेसीबी मशीन लगी हुई है। 30 फीट का गहरा गड्ढा है और काफ़ी बड़ा डायमीटर है, बड़े सावधानी से किया जा रहा है ताकि और मिट्टी ना धंसके। यहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ पर लगातार मिट्टी के गिरने का भी डर है, इसलिए बहुत संभाल कर इसका ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 30 फीट, लगभग 30 फीट की गहराई में घटना हुई है, तो धीरे धीरे अपनी सुरक्षा, जो रेस्क्यू टीम है उसकी भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। एक का को हमने रेस्क्यू कर लिया है, जल्दी ही हम जो बाकी 2 लोग हैं उनको भी रेस्क्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही, आज नहीं, 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है और जेसीबी से कोड़ाया था, वो माटी एकदम खड़ा था और ये पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए और मनमानी, मेरे चाचा को भी बांध भर दिए, मिस्त्री है उसको, मिस्त्री है उसको, ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी